أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इस्लामी मालूमाती वीडियो शुरू करने से पहले तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों को हमारा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, और अगर मुवाफ़िक मुखालफ होना कुछ मालूम ना हो तो क्या हुक्म है? जवाब, ऐसी सूरत में हमें हुक्म है कि हम न उसकी तस्दीक करें न इनकार, बल्कि यूं कहें अमंत बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों पर हमारा ईमान है। सवाल, जिसका ये अकीदा हो कि कुरान करीम में कमी बेशी जायज है वो कौन है? जवाब, जो ये कहे कि कुरान शरीफ का एक हर्फ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया वो कतन काफर और दारा इस्लाम से खारिज है। सवाल, सहीफा किसे कहते हैं? जवाब, मखलूक की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की उतारी हुई छोटी छोटी किताबें या वर्क जो कुरान शरीफ से पहले उतारे गए उन्हें सहीफे कहते हैं। इन सहीफों में अच्छी अच्छी मुफीद नसीहतें और करामत बातें होती थीं। सवाल, कुल कितने सहीफे हैं और किस किस पर उतारे गए? जवाब, सही तादाद तो अल्लाह और रसूल ही को मालूम है, हमें तो ये पता चलता है कि कुछ सहीफे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, कुछ आपके बेटे हरशीस अलैहिस्सलाम पर, तो कुछ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर, और कुछ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, और कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी उतारे गए। प्यारे दोस्तों, इन प्यारी दीनी मालूमात को आगे अपने वालदैन, रिश्तेदारों, अज़ीज़ो अक़ारब, हत्ता के तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक की ज़ात हमें पंचगाना नमाज पढ़ने की और इन प्यारी दीनी मालूमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।